अस्सलाम वालेकुम। माँ जी कुज़ीन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। आज माँ जी कुज़ीन में कोकोनट दही पकौड़ियाँ बनाई हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 लीटर के करीब मैंने ये दही लिया, तकरीबन ये 250 ग्राम से अबव ही हैं, 3 कप हैं। ये पकौड़ियाँ मैंने ली है, इनको मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था एयर टाइट कंटेनर में। ये मैंने पोटैटो 3 लिए हैं, इनको मैंने कटिंग करके नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया। ये मैंने ड्राई मिल्क लिया है, ये मैंने क्रीम लिया है, ये मैंने फ्रेश कोरिंडर वो लिया है कोकोनट, ये ग्रीन कोरिंडर पिंट और ग्रीन चिल्ली है, इसकी मैंने चटनी बनानी है। ये कोकोनट दही पकौड़ियाँ बनती इसी से हैं। और इसमें क्या क्या जाएगा मैं आपको बता दूं। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। साथ में 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है और ये आधा चार मसाला, ये सारा मैं इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। इसके साथ ही मैंने जो ये क्रीम ली है इसको अच्छी तरह मैं बीट कर लूंगी और इसको भी मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी तरह से साफ किया करें, पता नहीं कौन से दाने में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा और बरकत रखी होती है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। अपनी जबान को जिक्र अल्लाह जिक्र नबी से तर रखा करें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो असली इसकी है, खूबी इस डिश की, वो क्या है, वो ये है। ये देखें, ये मैंने मिक्स जग ले लिया, इसमें मैं ये जो धनिया पुदीना और एक हरी मिर्च वो मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने काट लिया था। क्यों काटा था, इसलिए काटा था कि हमारे जग को थोड़ी मेहनत करनी पड़े। इसके साथ ही मैंने ये थोड़ी सी योगर्ट रखी है, वो मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि हमारा ये चटनी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। और जो असल चीज़ है वो है हमारा ये कोकोनट, ये तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले ही मैंने ग्राइंड कर लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये इसमें जाएगा। अब मैं इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं स्लोली स्लोली चलाऊंगी, इसमें थोड़ा सी मैं दही और ऐड करूंगी ताकि ना हो जाए, फिर आपको मैं ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये मैंने इसमें दही थोड़ी और डाली है, इसे मैं अच्छी तरह से मैश करूंगी ताकि हमारा कोकोनट मिंट ग्रिंडर और वो जो ग्रीन चिली है ये एक जैसे जान हो जाए। ये देखिए, हमारा माशाल्लाह से कोकोनट चटनी तैयार हो चुकी है, वो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब को मैं अच्छी तरह साफ कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या करीम। अब जो जग को भी लगी हुई है इसको भी बहुत अच्छी तरह से मैंने साफ करना है, तो वो भी मैं इसके अंदर इसे डाल दूंगी। उसके बाद है दूसरे बोल मिक्स लेके, उसमें मैं आपको मुझे जितनी दही चाहिए, जितना मुझे ये पकौड़ियाँ चाहिए, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इस बोल में अब ये पोटैटो डालूंगी आधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में मैं पकौड़ियाँ डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो ये मैंने बनाया चटनी, इसको मैं इसके ऊपर जितनी ज़रूरत है वो पोर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये काफ़ी है।
मैं चेक कर लूँ, ये कोकोनट चटनी मैं इसमें डाल चुकी हूँ, माशाल्लाह से ही इसमें काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सैलिड नहीं जाएगी, क्योंकि अगर सैलिड हमने इसमें डाली तो कोकोनट जो जो बना बना रहे हैं ना उसका सारा फिर वो काम ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें एवरी डे के 2 मैंने टेबल स्पून ले हैं, मैं वो इसमें डाल दूँगी। एवरी डे मिल्क, एवरी डे मेरे मुँह से ज़रा बंद करो। इसमें मैंने ड्राई मिल्क डाला है, किसी भी कंपनी का आप डाल सकती हैं। ये बहुत लजीज तैयार हो चुकी है। इस मौके के ऊपर मैंने क्या करना है, ये देखिए मैंने इसके ऊपर, ये मैंने आपको सिखाई हुई है थोड़ी सी, मैं इसके ऊपर ये इमली की चटनी मैंने आपको बताई हुई है, मैं वो इसके ऊपर करूंगी स्प्रिंकल यूं करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। तो ये हमारी जो कोकोनट दही पकौड़ियाँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुकी हैं। आप इसे बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत डिफरेंट टेस्ट देंगी और बहुत मज़ा देगी। मैंने फ्रेश कोकोनट आजकल आए हुए हैं, आप लें और जरूर बनाएं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, माधी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम बातें तमाम इंग्रीडियंट्स लिख देती हूँ। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीक्रेट लोगों की रेसिपियाँ ला रहे हैं। आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। माजी कुजीन की तरफ से अब मैं ज़्यादा चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो तक, बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।